बाबा मनीष कश्यप के आने पर की गई फूलों की बारिश। गर्मजोशी के साथ युवाओं ने बिहार के बेटे का किया स्वागत। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में समर्थकों के बीच पहुंचे सनफ बिहार। बिहार के बेटे को मिल रहा समर्थन, दिल जीत लेगी वीडियो। मनीष कश्यप लोकसभा 2024 चुनाव में अपनी दावेदारी को प्रबलता के साथ साबित करने के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। वहीं इस बार पूरा का पूरा समर्थन मनीष कश्यप को युवाओं का मिल रहा है, क्योंकि बिहार के युवा जानते हैं कि बिहार को एक नई सोच की जरूरत है जो उनके साथ उनके परिवार का भविष्य सुधार सके, और इसके लिए मनीष कश्यप से बेहतर नाम और कोई नहीं हो सकता। मनीष कश्यप की लोकप्रियता जितनी सोशल मीडिया पर है उससे कई गुना ज्यादा धरातल पर है, क्योंकि मनीष कश्यप अक्सर जमीनी तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। वही हाल ही में मनीष कश्यप अपने समर्थकों के बीच अपने लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण पहुंचे, तभी उनका बेहद गर्मजोशी के साथ फूलों की बारिश करते हुए स्वागत किया गया। इसके वीडियो भी सामने आए, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। देख सकते हैं मनीष कश्यप का पूरा के साथ स्वागत किया जा रहा है, पूरा हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। ये देख लीजिए मनीष कश्यप का फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है, फूल वर्षा के साथ। ये देखिए पूरा पूरा मुँह का बस ठीक भव्य स्वागत। ये देख लीजिए फूल वर्षा, वाह वाह, फूलों की पुष्प वर्षा देख सकते हैं। मनीष भैया के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। जिस वीडियो को अभी आपने देखा उसमें नजर आ रहा है कि मनीष कश्यप को देखते ही किस तरह युवाओं में दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं। मनीष कश्यप गाड़ी में बैठे होते हैं तभी अचानक से उनके पास लोग आते हैं, उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें माला पहनाकर उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद बिहार के बेटे पर फूलों की बारिश की जाती है। ये फूल कोई साधारण फूल नहीं बल्कि जनता का प्यार, विश्वास और भरोसा का एक प्रतीक है जो मनीष कश्यप उसके असली हकदार है। समर्थक और चाहने वालों का अथार्थ प्रेम देखकर मनीष कश्यप भी भावुक हो जाते हैं। मनीष कश्यप ने जिनकी आवाज उठाई है आज वो लोग मनीष कश्यप के साथ हैं और यही उनकी असली ताकत है। वहीं कि बेहद गर्व की बात है कि जहां मनीष कश्यप ने जन्म लिया अब उसी की सेवा करने के लिए वो जमीन पर उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर कर ये साबित कर रहे हैं कि अपने लोगों के हित के लिए और न केवल पश्चिमी चंपारण विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं।